लो एंड वेलकम दिस इज़ कविता एंड यू आर वॉचिंग एम आई मेड इजी सो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा था सेरमिक मटेरियल्स के बारे में सिलिकेट्स के बारे में सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट पॉलिंग सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियोस को लाइक करना शेयर करना सभी के साथ ताकि इन वीडियो से सभी को हेल्प हो सके एंड डू नॉट फोरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू बी नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियो सो पॉलीमॉर्फिज्म मटेरियल्स दैट कैन हैव मोर देन वन क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एलोट्रॉफिक और पॉलीमॉर्फिक बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है जब एक मटेरियल की एक से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है तो हम उसे एलोट्रॉफिक या पॉलीमॉर्फिक कहते हैं एक से ज़्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने पर बेसिकली एलोट्रॉपी जो है ये प्योर एलिमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाउंड्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है एलोट्रोपी इज यूज फॉर दिस बिहेवियर इन प्योर एलिमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म इज यूज फॉर कंपाउंड सो यहाँ तक क्लियर है कि एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम एलोट्रॉपिक या पॉलीमॉर्फिक कहते हैं सो so, हर एक क्रिस्टल हर एक क्रिस्टल एक डेफिनाइट रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में ही स्टेबल रहती है दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो वो उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज हो सकती है सो so, हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अपनी एक टेम्परेचर रेंज होती है वो उसी टेम्परेचर रेंज में स्टेबल रहती है जैसे ही टेम्परेचर चेंज होती है वैसे ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है और सब्सटेंस मेंज डाई और एक सब्सटेंस को हम डाई और ट्राईमॉर्फिक भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो टेट्राहाइड्रो यूनिट्स है सिलिका की अगर वो हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज्ड है देन दैट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर

पहले थी वो ब्रो वो टूट जाएंगे एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगी और ये मॉडिफिकेशंस जो है सिलिका में उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज़ क्वार्ट्स ट्राइडमाइट माइड क्रिस्टबलाइट सो क्वार्ट्स की जो क्वार्ट्स uh, की हेक्सागोनल uh, पैटर्न जो है वो 870 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल रहती है क्वार्स इज स्टेबल हैविंग हेक्सागोनल पैटर्न एट 870 सेवेंटी डिग्री सी सो क्वाड्स की हेक्सागोनल पैटर्न होती है एंड वो स्टेबल रहती है ओनली विद इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 870 डिग्री सेल्सियस. अगेन जब हम इसे टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और एट 1470 डिग्री सेल्सियस क्वार्स जो है इसकी बॉन्ड्स चेंज हो जाएंगी ब्रेक हो जाएंगी और यहाँ पे फॉर्म होगा ट्राइड माइट जो कि 1470 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल रहती है देख रहे हो आप यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्वार्ट्स से ट्राइड बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स थी पहले क्वार्ट्स में हेक्सागोनल पैटर्न था वो चेंज हो जाएगा बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पे 1470 डिग्री में क्वार्ट्स uh, चेंज हो जाएगा ड्राइड माइट में और इस टेम्परेचर uh, रेंज में ये स्टेबल रहेगा अगेन जब हम इस टेम्परेचर को वापस राइज करते हैं एंड जैसे ही सेवेंटीन टेन पहुँचेगा टेम्परेचर फोर्टीन सेवेंटी से जब टेम्परेचर राइज़ होना स्टार्ट होगा तब हम हमें एक और न्यू सेलिका uh, की फॉर्म मिलेगी विच इज़ क्रिस्टोबलाइट ये एक बहुत ही हाई टेम्परेचर मिनरल है जो कि स्टेबल रहती है 1710 हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट सो बेसिकली वॉट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा होती है उन मटेरियल्स को हम एलोट्रॉपिक या पॉलीमॉर्फिक कहते हैं एलोट्रॉपी इज़ यूज फॉर प्योर एलिमेंट्स वाइल्ड द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म इज़ यूज फॉर कंपाउंड्स each crystal in the substance is only stable within the definite range of temperatures and pressure so hurric crystal every, uh, substance may a definite range ऑफ़ टेम्परेचर एक डेफिनाइट टेम्परेचर रेंज में ही स्टेबल रहती है जैसे ही टेम्परेचर चेंज होती जाएगी जो सब्सटेंस है वो भी चेंज होती जाएगी जैसे कि अब आप, आपने यहाँ पे देखा सिलिका से क्वार्ट्स सिक्वाडमाइट और क्रिस्टोबलाइट फॉर्म कैसे हुई एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड वो उस टेम्परेचर पे स्टेबल थी सो दिस इज़ पॉलीमॉर्फिज्म आई होप कि ये टॉपिक अब आपका क्लियर है सो नेक्स्ट इज Crystalline solids and amorphous solids. So, what is crystalline solid and amorphous solid? The atoms or molecules are arranged in an order extending over a large volume of the crystal. बेसिकली क्रिस्टलिन सॉलिड्स क्या है एंड मॉर्फस सॉलिड क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ऑर्डर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैनर में अरेंज की हुई रहती हैं इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है हर एक बॉन्ड में बिल्कुल इक्वल होती है द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल बिटवीन ऑल बॉन्ड्स दे हैव प्रिसाइज मेल्टिंग पॉइंट दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स लार्ज नंबर ऑफ एटमिक डायमीटर्स तक ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर रेकर करती है दैट मीन्स दे आर पीरियोडिक लार्ज अप टू लार्ज नंबर ऑफ एटमिक डायमीटर्स दैट इज़ एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती है इनकी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ऑर्डर में पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज रहती है इनकी ब्रॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल रहती है प्रोसाइज मेल्टिंग पॉइंट है इनके पास एंड दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जाम्पल क्वाट्स डायमंड माइका एंड ए मॉर्फस सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक ऑर्डर यहाँ पे एटॉमिक आइटम्स और मॉलिक्यूल्स एक पीरियोडिक ऑर्डर में अरेंजड रहती है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होती है दे डोंट हैव इक्वल बॉन्ड्स दे डोंट हैव इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन ऑल बॉन्ड्स दे डोंट हैव प्रिसाइज मेल्टिंग पॉइंट दे लैक इन लॉन्ग रेंज सो इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी नहीं होती है इनकी प्रिसाइज मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होती है इनकी बॉन्ड्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है

पैराफिन प्लास्टिक इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है ग्लास तो आपको पता ही है मोस्ट वाइडली यूज अ मॉर्फस मटीरियल इज़ गास जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में हाउस होल्ड हाउसवेयर लेब्रोटरी वेयर एक्सेट्रा कहीं पर भी यूज़ हो की जाती है मतलब ग्लास को हम किस जगह पे यूज़ नहीं करते ऑलमोस्ट एवरीवेयर

सो लेट्स जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन क्रिसलिन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स ये तो आप खुद ही लिख सकते हैं ये क्वेश्चन आती हैं एग्जाम्स में काफ़ी बार इनफैक्ट पूछी गई है क्रिस्टलिन सॉलिड हमें पता है दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एमॉर्फस सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एमॉर्फस सॉलिड्स में शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होती है दे आर An isotropic, they are, and amorphous solids are isotropic, and cleavage of crystal occurs along certain planes, and they give a rough surface on cutting along any direction. एमॉर्फस सॉलिड्स गिव अ रफ सरफेज ऑन कटिंग अलॉन्ग एनी डायरेक्शन सो ये थी डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स तो आई होप कि आपको पॉलीमॉर्फिजम भी समझ में आ गया होगा क्रिस्टलिन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में सो so, इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे सेरेमिक मटेरियल्स से ही थैंक यू